अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शज़ुल्फ़कार, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर अमरान हामिद शेख ने कहा कि अरफा करीम की गैर मामूली जहानत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर अबूर दीगर शानदार सलाहियतें तालिबे इल्मों के लिए बायस तकलीद हैं, जिन्होंने कम उम्री में अजीम कारनामा अंजाम देकर दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। इन्होंने ये बात दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट 11वीं सेटिस्फाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की बरसी के मौका पर जिले इंतजामिया और फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से नुसरत फतेह अली खान एडिटोरियम में मुनकिदा ताजियती सेमिनार से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, सदर की सीट पर राना शाहद मुनीर ने मैदान मार लिया। राना शाहद मुनीर 1670 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नायब सदर की सीट पर मोहम्मद हसनैन हैदर शाह कामयाब करार पाए। मोहम्मद हसनैन हैदर शाह ने 1128 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी के लिए राना बाबर खान कामयाब करार पाए। राना बाबर खान ने 865 वोट हासिल किए। ज्वाइंट सेक्रेटरी पर हाफज मियां मोहम्मद उस्मान कामयाब करार पाए। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील के नोटिफिकेशन पर दस्तखत से इनकार कर दिया। असम्बली तहलील का हिस्सा नहीं बन सकता, अब असम्बली अज़े खुद तहलील हो जाएगी। इस बरहान को हल करने के लिए आइन में और भी तरीक़ेकार हैं। मैं पंजाब असम्बली की तहलील नहीं करूंगा, गवर्नर पंजाब का वाज़ेह इनकार। कांदलियावाला थाना सदर की हदूद में 3 साल बच्ची के अगवा का मामला, शाम 3 बजे से बच्ची लापता है। लवाहकीन वर्षा ने तांदला समुंदरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बच्ची की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। एहतजाज के बाद समुंदरी रोड पर दो तरफा ट्रैफिक जाम, तांदलियावाला ट्रैफिक की मीलों लंबी लाइनें लग गईं। पुलिस ने मुतद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। एसएचओ सदर, पीटीएम को बंदे पूरे करने के लिए लाले पड़ गए। अराकीन को फौरी आज रात तक हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत। पीटीआई के बंदे तोड़ने वालों को अब अपने बंदे इकट्ठे करना मुश्किल नजर आ रहा है। मफा हिम्मत का बादशाह भी नाकाम होने वाला। जराए